इस समय हम इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के स्वामी हरिकृष्ण दास उदासी प्राथमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर है। यहाँ पर 6 मतदान केंद्र हैं और अभी तक लगभग 65% मतदान हो चुका है। लंबी कतारें यहाँ पर मतदाताओं के अभी भी, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मतदान की अवधि शाम 6 बजे की समाप्त होने के बाद भी मतदान चलता रहेगा। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शाम को 6 बजे तक जितने मतदाता कतार में लग जाएंगे उन्हें पर्ची दी जाएगी और वे जब तक अंतिम मतदाता मतदान नहीं कर लेता तब तक मतदान जारी रहेगा। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि शाम को 6 बजे के बाद जो नए मतदाता आएंगे वो मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उसके लिए यहाँ पर गेट बंद हो जाएंगे। लेकिन जो मतदाता 6 बजे तक मतदान केंद्र में प्रवेश कर लेंगे उन्हें जो है मतदान करने दिया जाएगा। यहाँ पर हमारी कई मतदाताओं से बात हुई है, उनका कहना है कि एक तो यहाँ मतदान की गति बहुत स्लो है, मतदान की गति बहुत स्लो है जिसके कारण मतदाता परेशान हो रहे हैं। अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई है महिलाओं की पुरुषों की, और जो निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। इंदौर के कई मतदान केंद्रों को बहुत अच्छा व्यवस्थित किया गया लेकिन इस मतदान केंद्र पर बहुत अव्यवस्था। कितने समय से लगे हुए हैं आप लाइन में? करीब करीब 1.25 घंटा हो गया हमको लगे हुए यहाँ पे, 4 बजे लगभग लगे हुए हैं, मतलब 1.5 घंटा करीब करीब हो गया है। और काफ़ी स्लो, इस बार पहली बार ऐसा देखने में आया कि इतना स्लो मतदान हो रहा है। अंदर भी कह रहे हैं कि एक ही मशीन लगी हुई है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। आप कब से आए हुए हैं? 1.5 घंटे से हम खड़े हैं, खड़े हो के यहाँ पे ना वॉशरूम की सुविधा ना क्या, इतनी भीड़ में हमारा जी घबरा है। हमने तो लग रहा था हम आखिरी में जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, न जाने यहाँ पे और डबल ट्रिपल भीड़ हो गई है भाई साहब, है ना। आप कब से लगे लाइन? मेरे को 1.25 घंटा हो गया है लेकिन अभी भी कोई व्यवस्था नहीं, और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जो है ठीक से नहीं किया है। कई बूथ खाली पड़े और एक ही बूथ पे इतना लोड दे दिया है कि हर इस पे 1400 लोग हैं और बाकी सब पे 2-2, 250, 300 लोग हैं, तो ये सारे बूथ खाली पड़े और इधर ये पूरा बूथ भरा हुआ, और 1.25 घंटे से ज़्यादा हो गया वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, और खड़े रहने में भी इतनी तकलीफ हो रही है, कई लोग बुजुर्ग लोग भी हैं, तो मतलब व्यवस्था नहीं की गई है ठीक से। आप कब से लगे लाइन में? 1.5 घंटा हो गया सर, 4 बजे से आए सर। बहुत धीमी गति से चल रहा है मतदान? धीमी से चल लिया सर, बहुत। मतदान की धीमी गति चर्चा का विषय बनी हुई है और मतदाता यहाँ काफ़ी परेशान भी, और उनका यह भी कहना है कि यहाँ पर वोटर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया जिसके कारण भी बहुत परेशानी हो रही है। कुछ मतदान केंद्रों पर 1400 के करीब मतदाता हैं, कुछ मतदान केंद्रों पर जो हैं वो जो है 200-300-400 मतदाता हैं। क्या ये बहुत, जैसा यहाँ कह रहे हैं लोग कि बहुत धीमी गति से मतदान चल रहा है? नहीं, धीमी गति से एक बूथ पे ज़्यादा वोटर्स हैं तो 2 लाइन लगी हुई है, वही हम अधिकारी से बोल रहे हैं इनका कुछ सब्स्टिट्यूट करी है तो ये शासन ने, और इन्होंने क्या व्यवस्था करी है क्योंकि 2-2 घंटे लाइन में लग रहे हैं जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बूथ पे ही हो रहा है ऐसा केवल, तो उसके लिए प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। ये जो मतदाताओं की लंबी कतारें हैं, मतदान के प्रति इतना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, महिलाओं की भी लंबी लंबी कतार लगी है, इसे देखिए लोकतंत्र के लिए तो बहुत अच्छा है कि अधिक संख्या में मतदान हो, लेकिन ये जो लंबी लंबी कतारें हैं इसे क्या संकेत मान रहे हैं? इंदौर शहर जैसे पूरे देश में नंबर 1 है सफाई में, तो इंदौर का जो नागरिक है वो बहुत जागरूक हो चुका है और हमें खुशी है इस बात की, फैसला अपने हिसाब से, लेकिन जो मतदाता डाल रहे हैं वोट तो हमें खुशी है और हमको खुश होना चाहिए, पर वो 2-2 घंटे वेट कर रहे हैं इसलिए दुख भी हो रहा है। तो व्यवस्था शासन को करना चाहिए कि कम समय में उनका वोट हो जाए। इंदौर में प्रशासन ने अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मतदान के लिए पहुँचे, इसके लिए बहुत प्रयास किए थे और उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती दिख रही, क्योंकि जो ये लंबी कतारें हैं ये बता रही हैं कि लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता है। लेकिन जो दूसरी बात सामने आ रही है कि मतदान बहुत, जो अंदर सिस्टम जो है जो वर्किंग कर रहा है, मतदान बहुत धीमी गति से हो पा रहा है, इसीलिए कतारें बढ़ती जा रही है। और अभी शाम को 6 बजे जैसे जैसे मतदान का समय समाप्त होने के और हम बढ़ेंगे तब तक यहाँ पर और कतार बढ़ जाएगी। हालांकि ये तय हो चुका है जैसा मैंने आपको पहले बताया कि शाम 6 बजे तक जो भी मतदाता कतार में लग जाएगा उसे मतदान की अनुमति रहेगी। यहाँ बड़ी संख्या में युवतियाँ भी हैं जो मतदान के लिए आई हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है बहुत समय लग रहा है मतदान में, लंबी क्यू है, बहुत समय लग रहा है। आप कितने समय से लगी हैं यहाँ पे? 1.5 घंटा हो गया। 1 घंटा यहाँ ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो दूसरे मतदान केंद्रों पर व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, यहाँ पर उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसका मुझे नॉलेज नहीं है।
कोई सवा घंटे से लाइन में है, कोई डेढ़ घंटे से लाइन में है, परेशान हो रहा है। उनका कहना है कि मतदान केंद्र पर जो बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था होना चाहिए वो भी नहीं हो रही है, इसके कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के जो अभिकर्ता मौजूद हैं, दोनों दलों के जो प्रतिनिधि मौजूद हैं, वे बार बार ये आग्रह निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है जिन बूथ पर ज़्यादा भीड़ है उन पर मतदान की गति बढ़वाने की दिशा में कुछ प्रयास किए जाएँ। तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। हालांकि अब मतदान का समय समाप्त होने में कुछ ही समय बचा हुआ है, मुझे लगता है लगभग आधा घंटे बाद मतदान समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और जो इंदौर में जिला प्रशासन की मुहिम थी उसको भी अच्छा प्रतिसाद मिला है कि मतदान के लिए यहाँ पर लंबी लंबी लाइन हमको देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन सौरभ पंवार के साथ डीजीएनए टीवी के लिए अरविंद तिवारी।